श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 18 नवंबर 2024 को है सबसे बड़ा सोमवार, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने का ये पहला सोमवार है, ठीक है। इसलिए इसकी महत्वता बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। और इस मार्गशीर्ष महीने के पहले सोमवार को आप लोगों को बेलपत्र की माला वाला उपाय ज़रूर करना है। दोस्तों, बेलपत्र की माला वाले उपाय को बताए हुए अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है और ज़्यादातर लोग ये वाला जो उपाय है इसको भूल चुके हैं, ठीक है। और ये वाला उपाय आप लोगों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, आपकी सारी दुख और परेशानियों को दूर कर सकता है। इसलिए आप लोगों को इतने बड़े और विशेष दिन पर, इतने बड़े सोमवार के दिन, इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, उपाय बहुत ही आसान है और सभी लोग आसानी से कर भी सकते हैं। इसमें आपको किसी ज्यादा चीज की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है और उपाय को करने के बाद आपको उपाय को करने का फल भी बहुत ही जल्दी यहाँ पर मिलता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को आखिर घर में से किसको करना है, क्या सभी सदस्यों को करना है और बेलपत्र की माला वाले उपाय को करने की विधि क्या है। देखिए, सबसे पहले चीज, ये जो बेलपत्र की माला वाला उपाय है, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक ही सदस्य इस उपाय को करेगा और उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा, ठीक है। अब जो घर का एक सदस्य इस उपाय को करेगा वो होगी घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन, ठीक है। एक माता बहन कोई भी जो है ये वाला उपाय करेगी और उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, है ना। इसके बाद में दोस्तों, बेलपत्र की माला वाले उपाय को आप लोग इस सोमवार के दिन सुबह के समय करोगे कि शाम के समय करोगे, तो देखो मुख्य रूप से ये वाला उपाय आप सुबह कर लेना, पर किसी कारणवश अगर सुबह आप उपाय ना कर पाओ तो शाम के समय प्रदोष काल में आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या थोड़ा बहुत लेट हो जाओ तो शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में, है ना। इस बीच में आप लोग जो है अपना कौन सा वाला उपाय कर सकते हो, बेलपत्र की माला वाला उपाय कर सकते हो। अब दोस्तों, बेलपत्र की माला वाला जो उपाय आप लोग करोगे तो भाई आपको ये भी मतलब जानना पड़ेगा कि बेलपत्र की माला हम लोग बनाएंगे कैसे। अब देखो, ये वाला जो उपाय है ना, ये सभी लोग कर सकें ये हम नहीं कह सकते कि हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस उपाय को करने वाला किस्मत वाला ही हो सकता है। क्योंकि इस उपाय में जो आपको बेलपत्र लेना है वो खुद से नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है, खुद से लेकर नहीं जाना है। ये आपकी किस्मत पर निर्भर करता है कि आप लोग इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को करने की विधि क्या है। देखिए, इस वाले उपाय को जब भी आप करने के लिए जाओ, चाहे सुबह जाओ चाहे शाम को जाओ, किसी एक ही समय जाना है। अगर आप सुबह ना जा पाओ तो शाम के समय चले जाना, ठीक है, और शाम को ना जा पाओ तो सुबह के समय चले जाना। मतलब जाना कब है, इस मार्गशीर्ष महीने के पहले सोमवार के दिन ही। अब करना क्या है दोस्तों, जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर जाते हो तो भाई उस समय आप लोगों को अपने साथ में या तो एक लोटा जल लेकर जाना है, शाम के समय जा रहे हो तो एक शुद्ध देसी गाय का गोलपत्ती का घी का दीपक लेकर जाना है, खाली हाथ नहीं जाना है, ठीक है। उसके साथ में दोस्तों आप लोगों को मात्र एक कच्चा सूत लेकर जाना है। कच्चा सूत ना मिल पाए, आप लोगों के कई ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि भाई कच्चा सूत नहीं है तो क्या हम कलावा या मोली वगैरह लेकर जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लेकर जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। तो इस उपाय में आप लोग जो बेलपत्र की माला बनाओगे वो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र की मालाओं से बनाओगे, है ना। बस उसके लिए कच्चा सूत या मोली कलावा वगैरह धागा मतलब माला बनाने के लिए वो आपको अपने साथ में लेकर जाना पड़ेगा। अब आप ये मत समझना कि सुई धागा भी लेकर जाना पड़ेगा, सुई वगैरह नहीं इसमें आप लोगों को प्रयोग में आने वाली है, ठीक है। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आप लोगों को अपने घर से कच्चा सूत या तो मोली ले जाना, चाहते हो मोली या तो कलावा, है ना, कोई भी एक चीज लेकर जाना जिससे आप बेलपत्र की माला को बना सको। हाँ, अगर आपका मन है कि एक दो बेलपत्र आप लोग शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जाते हो सोमवार के दिन, या आपकी कोई पूजा है तो आप वो लेकर जा सकते हो, पर इतनी ज्यादा लेकर नहीं जाना है कि सिर्फ और सिर्फ उपाय के लिए आप लोग अपनी पूरी बेलपत्र लेकर चले जाओ। एक दो बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाने के लिए सुबह भी लेकर जा सकते हो, शाम को भी लेकर जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अपने घर से निकलना है और सीधा अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाना है ना। अब शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले जाकर आप लोग अपनी पूजन अर्चना करना, आप लोगों को जाते से उपाय नहीं करने लग जाना है। और सबसे पहले तो ये देखना है कि आप जिस मंदिर में गए हुए हो वहां पर क्या शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी हुई है या नहीं चढ़ी हुई है। अगर चढ़ी हुई है, भले ही वो मतलब कम से कम भी या ज्यादा से ज्यादा भी चढ़ी हुई तो भी आप लोग अपना उपाय कर सकते हो, पर अगर नहीं चढ़ी हुई है, एक दो बेलपत्री चढ़ी हुई, तो फिर आप अपना उपाय नहीं कर पाओगे। वैसे ज्यादातर मंदिरों में आप लोगों को बेलपत्र चढ़ी हुई मिल जाएंगी, तो आप अपने अनुसार जो है समय के हिसाब से जाइएगा कि इस समय आप लोगों को बेलपत्र चढ़ी हुई मिल जाएंगे, है ना। इसलिए हमने कहा सुबह ना जा पाओ, सुबह ना आप लोग उपाय कर पाओ तो शाम के समय भी आप लोग जा सकते हो उपाय को करने के लिए, है ना। तो जैसे ही शिव जी के मंदिर पहुंचते हो तो जाकर सबसे पहले आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाकर उनकी पूजन आराधना करना है, जो भी आपकी विनती है मनोकामना है उनको प्रणाम कर धोख देना है भगवान शिव जी को, है ना। अब धोख देने के बाद दोस्तों
दोस्तों यही उपाय अगर शाम के समय कर रहे हो, प्रदोष काल में कर रहे हो, तो अपना वो जो घी का दीपक है वो लेकर जरूर जाना। अब देखो यहाँ पर घी के दीपक की हम आपको एक बात बताते हैं कि अगर आप लोग अपने घर से जो घी का दीपक लेकर जा रहे हो या बत्ती लेकर जा रहे हो, क्योंकि कई सारे लोग बत्ती लेकर जाते हैं, तो यहाँ पर सही क्या माना जाता है, सही ये माना जाता है कि आप लोग अपने ही घर से नया दीपक बनाकर लेकर जाओ, मतलब कि आटे का, उसके अंदर गोल बत्ती रखो, शुद्ध देसी गाय का घी डालो और इस दीपक को तैयार करके लेकर जाओ। अगर आप बत्ती मात्र बनाकर लेकर जाते हो और शिव जी के मंदिर में जाकर किसी और दीपक में रखकर आते हो, तो आपको तो नहीं पता वो दीपक किसका है और किस चीज़ का है, घी का है कि तेल का है, तो भाई आप लोग उस दीपक में रखकर आ जाते हो, तो हो सकता है आपको आपके दीपदान का, मतलब जो दीपक का फल है, वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। इसलिए आप अपने घर से बढ़िया आटे का नया दीपक बनाकर लेकर जाया करो और उसी को जो है शिव जी के मंदिर में जाकर जलाया करो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई। अब बात करते हैं आपको उपाय कैसे करना है। आपने पूजन अर्चना कर ली जितनी भी आपको करनी थी, अब वो करने के बाद दोस्तों आपको शिवलिंग के पास में बैठ जाना है ना। अब शिवलिंग के पास में बैठने के बाद दोस्तों अगर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी हुई है तो आप लोग अपना बेलपत्र की माला वाला उपाय कर सकते हो, नहीं चढ़ी हुई है तो नहीं कर पाओगे, शाम के समय जाकर देख लेना, है ना। अब करना क्या है, शिवलिंग के पास में बैठना और शिवलिंग के ऊपर से आप लोगों को बेलपत्र की माला को बनाने के लिए बेलपत्र उठा लेना है ना। देखो खुद जो एक दो बेलपत्र लेकर आए हो वो आप पूजन के समय चढ़ा देना है ना, और ऐसा नहीं करना है आप लोगों की घर से ही आप लोग 10-12 बेलपत्र ले आए और उनको चढ़ाकर उन्हीं से आप लोगों ने उपाय कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए हमने आपसे कहा कि किस्मत वाले ही वाला उपाय कर सकते हैं ना, तो वो आप लोगों को नहीं करना, एक दो बेलपत्र पूजन के समय चढ़ा सकते हो, उसके बाद नहीं। इसके बाद आपको करना क्या है कि शिवलिंग पर चढ़ी हुई आपको बेलपत्र उठाना है। अब कितनी बेलपत्र हमें यहाँ पर बेलपत्र की माला को बनाने के लिए लगेगी, तो देखो यहाँ पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अलावा और भी लोग बेलपत्र की माला वाला उपाय को करने वाले हैं, तो आप लोग उतनी ही बेलपत्र उठाओ जितने में आपका काम हो जाए, है ना। जैसे कि आप लोगों को कम से कम 11 बेलपत्र उठानी चाहिए, है ना, मतलब बेलपत्र की माला बनाने के लिए। अगर 11 भी ना उठा पाओ तो कम से कम हम आपको बता रहे हैं 7 से 8 बेलपत्र में आपकी एक माला अच्छे से बन जाएगी, है ना। तो इतनी बेलपत्र भी आप ले सकते हो, और अगर 11 बेलपत्र ले सकते हो तो और अच्छी बात है, या 11 से ज्यादा ले सकते हो तो और अच्छी बात है, या जितनी आपको मिल जाए बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर आप वो भी ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें अच्छी से अच्छी आपकी माला बन जाएगी, है ना। तो आप लोग अपनी बेलपत्र उठा लो। अब बेलपत्र को उठाने के बाद दोस्तों इनको क्या करना है, आप लोगों को धो लेना है, क्योंकि पंडित जी हमेशा कहते हैं कि पंडित जी जो है शिवलिंग के ऊपर से हम जो भी बेलपत्र उठाते हैं उनका प्रयोग करते हैं वो हमेशा हम धोकर ही करते हैं, हम बिना धोए उनका प्रयोग नहीं करते। तो इसलिए जो भी बेलपत्र आपने उठाई हैं उनको धो लो, है ना, मतलब थोड़े थोड़े से पानी से या जल छिड़क लो उनके ऊपर थोड़ा सा, है ना, अपने पास में थोड़ा सा जल अलग से रखिएगा और उस जल से जो है अपनी सभी बेलपत्र को एक एक करके धो लीजिए, है ना। बेलपत्र को धोने के बाद अब आपको करना क्या है कि अपना जो कच्चा सूत है उसको निकाल लेना है ना। अब कच्चा सूत निकालने के बाद दोस्तों आप लोगों को इतना कच्चा सूत अभी तोड़ना नहीं है, अभी अपने उसी लच्छे में जो है कच्चे सूत को रहने देना है, या मोली जो भी आपने लिया हुआ है उसी में रहने देना है, ठीक है, जब हमारी माला बन जाएगी उसके बाद हम तोड़ेंगे, या आप लोग पहले से भी तोड़ कर रख सकते हो। इतनी बड़ी माला बनाना कि आपके पास जो शिवलिंग है, आपके शिव जी के मंदिर में जो शिवलिंग है उसमें अच्छे से वो माला बन जाए, है ना। अब देखो शिवलिंग पर हम बेलपत्र गैस चढ़ाते हैं उल्टा करके चढ़ाते हैं, तो माला भी आप लोगों को जो माला बनाओगे वो भी ऐसी चढ़ानी कि जब आप माला चढ़ाओ तो वो बेलपत्र उल्टा करके शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाए, है ना। तो भाई करना क्या है, सबसे पहले वो तो हम बाद में भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो सबसे पहले अपना कच्चे सूत को अपने सामने रख लो और अपनी बेलपत्र को अपने सामने रख लो, है ना। अब एक एक बेलपत्र को उठाना है और आपको माला बनाना है। अब देखो यहाँ पर माला बनाने के लिए आपको कोई सुई वगैरह के प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि बेलपत्र की माला में सुई नहीं मतलब लगाई जाती है, इस बात का ध्यान रखना। तो फिर माला कैसे बनाई जाती है, माला ऐसे बनाई जाती है कि एक एक जो बेलपत्र, जैसे एक बेलपत्र आप लोग उठाओ, है ना, उस एक बेलपत्र को, मतलब देखो अगर एक बेलपत्र को अगर आप सामने चिकना वाला भाग रखकर कर रहे हो तो सभी भाग ऐसे ही करके रखना है, क्योंकि हमें जो है एक बराबर से जो है सभी बेलपत्र की माला को यहाँ पर बेलपत्र को लगाना है बेलपत्र की माला में। चिकना भाग सामने की तरफ दिख रहा है तो सभी का भाग सामने की तरफ दिखना चाहिए, और उल्टा करके लगा रहे हो तो उल्टा भाग मतलब सभी की तरफ जो है आपको दिखना चाहिए, ना, क्योंकि हमें शिवलिंग पर उल्टी बेलपत्र की माला यहाँ पर चढ़ानी है ना। तो अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। तो अपने सामने आप लोग एक बेलपत्र उठाइएगा, उस बेलपत्र का चिकना भाग आपको देखे इस तरीके से, उस बेलपत्र को वहां पर रखिएगा, और रखने के बाद अपने जो कच्चा सूत है उसको थोड़ी सी जगह छोड़कर आप लोग अपने कच्चे सूत में जो है उस बेलपत्र की माला की डंडी को, मतलब बेलपत्र की डंडी को आप बांधो, है ना, एक दो गठान बांध, मतलब एक दो बार घुमा दो, अगर वो खुलती है तो एक गठान आप लोग बांध दो, है ना। तो क्या करना है आप लोगों को, इस तरीके से बेलपत्र की सिर्फ और सिर्फ डंडी में, जो आखिरी में डंडी होती है ना, उसमें आपको बांध बांध कर जो है बेलपत्र की माला तैयार करनी है। तो पहली बेलपत्र आपने उठाई, उस बेलपत्र की डंडी देखी, उस बेलपत्र की डंडी में आपने अपना कच्चा सूत या धागा लपेटा, और धागा लपेटने के बाद अगर वो सही हो गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अन्यथा एक गठान आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में उसी बेलपत्र के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ो, थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद आप लोग वापस से उसके अंदर क्या करो कि अपना जो कच्चा
बच्चा सूते वो लपेटो, लपेटने के बाद वो भी अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं तो एक कटान आप लोग बांध दो ताकि वो खुले ना अच्छे से, बिलपत्र की माला बन जाए। फिर उसी के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ो, तीसरी बेलपत्र बांधो, फिर उसी के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ो, अपनी चौथी बेलपत्र बांधो, फिर उसी के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ो, अपनी पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, जितनी आपने बेलपत्र ली हुई है ना, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर बांध दो। और अगर आपके पास ज़्यादा मतलब बेलपत्र है तो आपको जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना जगह छोड़े भी अपनी इस बेलपत्र की जो डंडी है इनको कच्चे सूत में लपेट लपेट कर जो है बांध सकते हो, है ना। अब जैसे ही आप लोगों ने जितनी भी बेलपत्र ली हो, चाहे 11, चाहे 21, चाहे 51, चाहे 108, जितनी आपने बेलपत्र ली हो, चाहे 6, 7, 7, 8 ली हैं, पर कम से कम 7, 8 तो लेने ही, उसी में आपकी एक अच्छी माला तो बन ही पाएगी, है ना। तो भाई आप लोगों ने जितनी भी बेलपत्र की माला ली हुई होंगी आपकी, आपने सभी कच्चे सूत के अंदर बांध दी है ना। अब आपकी जितनी बड़ी माला हो गई है वो ठीक है, चाहे आपने उस बेलपत्र की माला में 7-8 बेलपत्र लगाई हों, 11 लगाई हों, 21 लगाई हों, या जितनी भी माला मतलब बेलपत्र लगाई हों वो ठीक है ना। तो आपकी जितनी बेलपत्र की माला या जितनी बेलपत्र उस कच्चे सूत में लग गई हैं उतना ठीक है। अब आखिरी में थोड़ी सी जगह छोड़कर अपने उस लच्छे में से उस कच्चे सूत को तोड़ दो, ठीक है। या अगर आपने पहले से ही धागा नाप के रखा हुआ था तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको करना क्या है कि जो आपने पहले थोड़ी सी जगह छोड़ी थी इस साइड, अब जो आपने दूसरी साइड जगह छोड़ी है, उन दोनों को एक दूसरे से बांध दो। जब आप दोनों को एक दूसरे से बांध दोगे दोनों छोरों को, तो ये एक बेलपत्र की माला तैयार हो जाएगी, ठीक है। अब हमने आपसे क्या बोला था कि एक साइड जो चिकना भाग है वो आपको दिखना चाहिए, इसी तरीके से सभी बेलपत्र को आप लोगों को जमा लेना है ना। अब जमाने के बाद दोस्तों क्या करना है आप लोगों को कि ये जो बेलपत्र की माला है ये शिवलिंग पर आपको इस तरीके से पहनानी है, मतलब शिवलिंग के ऊपर ही पहनानी है, इस तरीके से पहनानी है कि जो उल्टा भाग है वो आपको दिखे, बेलपत्र का जो चिकना भाग है वो शिवलिंग के पीछे साइड जो है मतलब अपने आप छुप जाए, है ना। तो उल्टा भाग आप लोगों को दिखे बेलपत्र की माला का, इस तरीके से आपको अपनी बेलपत्र की माला लेनी है और शिवलिंग पर पहना देनी है ना। शिवलिंग पर बेलपत्र की माला को जब आप पहनाते हो तो उसी समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक बार जरूर बोल देना, बैठ कर भी पहना सकते हो, खड़े होकर भी पहना सकते हो, पर पहनाना कहां पर है, शिवलिंग के ऊपर ही पहनाना है ना। तो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र की माला पहनाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग के पास ही में बैठ जाना और भगवान से 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना या कुछ भी उन्हें निहारते रहना, और उसके बाद में अपनी जो मनोकामना हो जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो अपनी वह मनोकामना बोलना और भगवान को धोख देकर सीधा अपने घर पर आ जाना। फिर देखना आप लोग कि आपने जिस मनोकामना के लिए इस बेलपत्र की माला वाले उपाय को किया होगा आपकी वह मनोकामना कैसे बहुत ही जल्दी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है, मार्गशीर्ष महीने का पहला सोमवार है, मौका बहुत अच्छा है, आप इस उपाय को जरूर करके देखिएगा, आपको उपाय को करने का फल बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर जरूर मिलेगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।